लेकिन आज हम यहाँ पर जब बात करेंगे हाउ टू यूज CSS, तो यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि हम CSS को कितनी तरीके से अपने HTML पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई लॉजिक है ही नहीं यहाँ, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। CSS इज नॉट एन प्रोग्रामिंग, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, इट इज जस्ट अ डिजाइनिंग टूल टू मेक योर वेबसाइट इंटरेक्टिव, यूजर फ्रेंडली। सीक्वेंस ब्रेक ना करें, शॉर्टकट ना लें, शॉर्टकट कहीं भी सक्सेस नहीं है, ना लाइफ के लिए ना पढ़ाई के लिए। कि जहां पर हम CSS को अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं तीन तरीके से, तीनों को बहुत ध्यान से सुनना, ओके, तीनों में डिफरेंसेस क्या है इनको समझना है और फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम कर रहे हैं CSS को लेके, कास्केडिंग स्टाइल शीट को लेके। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी व्हाई CSS, व्हाट इज CSS, ठीक है, लेकिन आज हम यहां पर जब बात करेंगे हाउ टू यूज CSS, तो यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि हम CSS को कितनी तरीके से अपने HTML पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ CSS, कि यदि मान लो मैंने अपना HTML पेज बनाया है एंड आई वांट टू अप्लाई CSS इन दैट HTML पेज, सो हाउ टू अप्लाई CSS एंड हाउ मेनी वेज वी अप्लाई द CSS इन एन HTML पेज, मतलब अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ CSS के बारे में। लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज किसी भी लेक्चर को, इसके पहले के लेक्चर को पढ़े फिर ये लेक्चर पढ़े। सीक्वेंस ब्रेक ना करें, शॉर्टकट ना लें, शॉर्टकट कहीं भी सक्सेस नहीं है, ना लाइफ के लिए ना पढ़ाई के लिए। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है जहां पर मैंने आपको बताया था कि CSS क्या होता है, फिर रिमेंबर, ठीक है, ये हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, व्हाट इज CSS, देन हमने बात की थी व्हाई CSS, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम वर्जन्स ऑफ CSS, है ना, वर्जन्स, व्हाई, व्हाट, ये सारे कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन CSS, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। लेकिन अब इसके आगे अगर मुझे CSS को अपने पेज पे अप्लाई करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर मल्टीपल टाइप्स बाय विच वी कैन अप्लाई CSS इन एन HTML पेजेस टू मेक अ पेज मोर इंटरेक्टिव, मोर एनिमेटेड, ठीक है। तो ये टाइप जो है, दिस आर द बेसिक थ्री टाइप्स, कि जहां पर हम CSS को अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं तीन तरीके से, तीनों को बहुत ध्यान से सुनना, ओके, तीनों में डिफरेंसेस क्या है इनको समझना है और फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बॉस हार्डली वन और टू लेक्चर जो हम बोर्ड पे देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद इसके जो इफेक्ट्स हैं, क्या हम बोल रहे हैं कि बॉस ग्राफिकल इफेक्ट्स के लिए हम CSS को यूज कर रहे हैं, एनिमेशन के लिए यूज कर रहे हैं, पेज को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सब आप जब तक लाइव सिस्टम पे नहीं देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो केवल स्टार्टिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन्हीं की हम यहां पे बात कर रहे हैं, और यदि बीच में कहीं लगा तो फिर से आ जाएंगे थोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ CSS, वन इज कॉल्ड इनलाइन, सेकंड इज कॉल्ड इंटरनल CSS एंड थर्ड इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। मतलब जब भी हमें किसी HTML पेज पे CSS को अप्लाई करना होता है तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, तीन तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज पे। एक कहलाता है इनलाइन CSS, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है आप समझिए, पहले डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं फिर इसके इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं, राइट। इनलाइन CSS का मतलब यह है कि आप अपने HTML टैग में ही एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं स्टाइल नाम का, सी दिस वन, ठीक है। मतलब विद द यूज ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट हम अपने पेज पे कोई भी स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं CSS का। मतलब वी वॉन्ट टू अप्लाई अ CSS इन आर पेज बट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ टैग, कि हर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यदि हम इसकी बात करें तो आप देखिए ये जिसके हम बात कर रहे थे इनलाइन, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बार पहले आप डेफिनेशन को समझ लेंगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। इनलाइन का मतलब क्या है कि बहुत जैसे हमारे HTML में टैग्स, टैग में एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक वी कैन एट्रीब्यूट कॉल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फॉन्ट, तो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है, ठीक है। वी हैव अ कलर एट्रीब्यूट, ठीक, वी हैव अ साइज एट्रीब्यूट, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसा ही एक एट्रीब्यूट है आपके पास, एंड दैट इज कॉल्ड स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, स्टाइल। तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने स्टाइल का फॉर्मेट लिख दिया। तो यदि मैं किसी टैग में ही स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं टू अप्लाई CSS इफेक्ट्स, तो ये कहलाएगा इनलाइन CSS, दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लो सेम एट्रीब्यूट आपको 25 टैग में यूज करना है, सो अगेन एंड अगेन यू हैव टू राइट इट, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो बट यदि आपको लगता है कि सर देर आर ओनली टू थ्री टैग जहां पर मुझे
CSS का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सो बेस्ट है आप इसको यूज कर सकते हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। तो दिस इज द वन टाइप जहां पर हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको बताता हूं, डोंट वरी, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। सेकंड, इंटरनल CSS, यदि आपको लगता है कि यू वांट टू यूज सच, सपोज आपके पास तीन चार ऐसे स्टाइल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिसको आप अपने पेज पे मल्टीपल टाइम यूज करना चाह रहे हैं, सो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर इंटरनल CSS, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, द एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन इज दिस वन, ये देखिए आप, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बॉडी एंड दिस इज व्हाट इज स्टाइल टैग, कि मैंने क्या लिखा, बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट है, एक्चुअली दिस एट्रीब्यूट इज बेसिकली अ इनलाइन, कि ये इनलाइन एट्रीब्यूट है, तो विद द यूज ऑफ इनलाइन एट्रीब्यूट हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं किसी भी टैग के साथ में, जिस टैग पे आपको CSS के इफेक्ट्स लेके आना है आप उस टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। एंड आई होप आपने HTML पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग, राइट। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिसएडवांटेज ऑफ दिस टैग, सो दे विल गो फॉर इनलाइन, सॉरी इंटरनल। इंटरनल CSS का मतलब ये है, अगर आप इंटरनल CSS पर जा रहे हैं, दैट मीन वी शुड राइट एन स्टाइल टैग। ये देखिए आप, मैंने अभी डेफिनेशन क्या दी है, सी दिस, कि यदि मान लो आप बात कर रहे हैं इंटरनल की, डिफाइन इन हेड सेक्शन ऑफ पेज यूजिंग स्टाइल टैग, ठीक है। मतलब यदि आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है विच यू वॉन्ट टू अप्लाई इन मल्टीपल टाइम इन एन पेज, आपको एक पेज पे, ध्यान से सुनना, एक पेज पे अगर कुछ प्रॉपर्टी को मल्टीपल टाइम अप्लाई करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल गो फॉर इंटरनल CSS। वहां पर हम इंटरनल CSS की बात करेंगे। इंटरनल CSS आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने पेज पे कुछ एट्रीब्यूट्स को स्टाइल टैग के साथ लिख दें, यू कैन जस्ट राइट स्टाइल टैग, ठीक है, और उस स्टाइल टैग में आप उन एट्रीब्यूट्स को लिख दें, उन प्रॉपर्टीज को लिख दें जिनको आप अपने पेज पे मल्टीपल टाइम यूज करना चाह रहे हैं। सी दिस वन, कि यहां पर मैंने क्या किया, और ये हम कहां पर लिखेंगे, इन हेड सेक्शन, हेड सेक्शन ऑफ द पेज। तो हेड सेक्शन में हमने एक स्टाइल बना लिया, अभी एक एग्जांपल लिया H1, ठीक है, हमने पढ़ा, याद करो H1 का यूज हेडिंग के लिए, लेकिन मैं यहां पर H1 को यूज कर रहा हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेट कर दी कि जहां भी मैं अब H1 को यूज करूंगा आई विल गेट द ब्लू कलर एंड फॉन्ट साइज इज 30, तो आई कैन, हाउ आई कैन यूज दिस, तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं। मान लो मैंने लिख दिया H1 डेटा फ्लेयर, ठीक है, स्लैश H1, तो जैसे ही आपने H1 टैग को डिफाइन किया और उसके बाद अगर आप इसको कहीं भी यूज करते हैं, सो नाउ यू विल गेट डेटा फ्लेयर इन द ब्लू कलर एंड फॉन्ट साइज इज 30, कि जब इसका इफेक्ट आएगा तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन दिस डेटा फ्लेयर टेक्स्ट। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, देखो आप, इसके पहले मैंने स्टाइल लिखा था, तो ये स्टाइल मैंने एक बार लिख दिया किसी भी टैग में, सो आई कैन नॉट यूज इट मल्टीपल टाइम। लेकिन अब इसका एडवांटेज ये है कि सपोज करो आप इसी को एक बार फिर यूज करना चाह रहे हैं सम अनदर टैग, तो आपने H1 लिखा, राइट डाउन योर टैग एंड स्लैश H1, तो ये जितना भी इफेक्ट है H1 का वो इन टेक्स्ट पे आ जाएगा। सो ये एडवांटेज होता है इंटरनल CSS का, ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है, देखो आप, इंटरनल CSS हमने क्या बोला कि जब आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे मल्टीपल टाइम कॉमन एट्रीब्यूट्स यूज करना है, ठीक है, then you will go for internal CSS and by which style tag। लेकिन थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज द मोस्ट यूजेबल, क्योंकि अब देखिए मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं, अ वेबसाइट इज नॉट अ सिंगल पेज, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। आप कोई भी वेबसाइट देखेंगे तो वो एक पेज नहीं होगा, अ वेबसाइट कैन नॉट बी अ सिंगल पेज, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। एक वेबसाइट में मिनिमम 10-15 पेजेस होते हैं अगर आप एक इंटरेक्टिव एक वेबसाइट बना रहे हैं तो, राइट। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे बोलता हूं मुझे किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है, सो देयर इज अ पेज फीस, देयर इज अ पेज पेज कोर्सेज, देयर इज अ पेज अचीवमेंट, ठीक है, रिजल्ट्स, फीस, रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन होती है एक वेबसाइट। अब मान लिया आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, सपोज 25 पेजेस, 30 पेजेस, 50 पेजेस इन दिस वेबसाइट। अब आपके पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको आप अपने पेज, अपने पूरे वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस में यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरनल के साथ इश्यू क्या है कि आप इसको जिस पेज पे लिखोगे उस पेज के अलावा दूसरे पेज में यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसका नाम इंटरनल है। इनलाइन तो अलग ही बात कर रहा है, इनलाइन तो बोल रहा है बॉस टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर से लिखना है तो फिर से टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट। इंटरनल ये बोलता है एक पेज पे आप इस टैग को लिख दो एंड देन यू कैन यूज दिस
अटैक इन द सेम पेज, नॉट इन द अनदर पेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक वेबसाइट में मल्टीपल टाइम कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज करना है, द बेस्ट चॉइस यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल सीएसएस। और आप देखिए, जिस दिन हम वेबसाइट बनाएंगे उस दिन हम इसी को यूज करेंगे। मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। आप बोलोगे सर यही बेस्ट है, क्योंकि इसके साथ प्लस पॉइंट यह है कि एक बार अगर आपने अपनी सीएसएस फाइल बना ली, सो दैट यू कैन यूज दिस सीएसएस फाइल मल्टीपल टाइम इन एनी वेयर इन दैट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में अगर 500 पेजेस भी हैं, सो दैट यू कैन यूज दिस सीएसएस फाइल इन दिस 500 पेजेस। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस एक्सटर्नल सीएसएस। बट सी, अपने अपने सबके यूजेस हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पेज बना रहे हैं, किस तरीके की वेबसाइट बना रहे हैं, राइट। बट द मोस्ट यूजेबल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल सीएसएस। Now, what is an external CSS? देखिए, जैसे मैंने लिखा, external style sheet can save a lot of work. यह statement ही मैंने ये लिखा है कि boss, lot of work can be saved by this external CSS. क्योंकि एक बार अगर आपने CSS file बना ली, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे HTML की फाइल का extension होता है .html, JavaScript की फाइल का extension होता है .js, ठीक है, हर फाइल का कोई ना कोई extension होता है .js, right? Similar kind of CSS की जो external file बनती है, उसका एक्सटेंशन होता है .css। जैसे मान लो मैंने एक फाइल बना ली style.css के नाम से, ठीक है, I'll create a file style.css, so that I can use this, how can we use this, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे वो अभी हम बात करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन सीएसएस फाइल, सी दिस वन, कि आप जो भी स्टाइल शीट बनाओगे वो सीएसएस फाइल में स्टोर होगी, एंड दैट यू कैन यूज मल्टीपल टाइम इन एनी वेयर इन योर वेबसाइट, वाइल इंटरनल कैन बी यूज एनी वेयर इन द वेब पेज, सिंगल पेज, राइट। अब जैसे हमने बात की, तो आप देखो, ये एक एग्जांपल हमने इंटरनल का देखा अभी, कि इंटरनल कैसे यूज करना है, इनलाइन कैसे यूज करना है, एंड दिस इज वॉट हाउ टू यूज एक्सटर्नल। कि मान लो अगर मैं यहां पर एक फाइल बना लेता हूं style.css के नाम से, इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस style.css, तो वहां पर मैं ये मल्टीपल टैग्स बना सकता हूं। जैसे मैंने अपना डेटा फ्लेयर नाम का एक टैग क्रिएट कर लिया, एंड व्हेनेवर आई कैन यूज दिस डेटा फ्लेयर, उस टेक्स्ट पे मुझे कलर रेड मिलेगा, फॉन्ट साइज 50 मिलेगी, फॉन्ट फैमिली एरियल मिलेगी, जो भी आपने दिया हुआ। दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज आई विल क्रिएट वन टैग इनसाइड दिस सीएसएस फाइल। ऐसे आप इसमें मल्टीपल टैग एक बार बना लीजिए, यू कैन यूज मल्टीपल टैग 20, 30, 40, 50 अलग अलग इफेक्ट्स के साथ, एंड देन यू कैन यूज दिस स्टाइल इन एनी पेज ऑफ द वेबसाइट। कैसे? दिस एट्रीब्यूट्स कॉल्ड लिंक, ठीक है, विद दिस लिंक टैग, सॉरी नॉट एट्रीब्यूट, दिस लिंक टैग इज हैविंग मल्टीपल एट्रीब्यूट कॉल्ड रेफरेंस, REF। क्या आपका रेफरेंस क्या है स्टाइल शीट का? रेफरेंस आपने बता दिया, दिस इज एन स्टाइल शीट। क्योंकि जब आप लिंक टैग को यूज करते हैं तो आपको ये बताना है कि आपका रेफरेंस किस पर्पज की आप लिंक को यूज कर रहे हैं, तो आपने बता दिया स्टाइल शीट टाइप, इसमें टेक्स्ट और सीएसएस का कोड लिखे हुए, ठीक है, एंड देन HREF, और HREF में हम उस शीट का नाम लिख देंगे जिसको हमें अपने पेज पे यूज करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्लूड दैट एक्सटर्नल फाइल इन योर वेब पेज। कि अगर मान लो आप एक वेब पेज बना रहे हैं, इन दैट वेब पेज पे मुझे इस सीएसएस के टैग्स को यूज करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा बच्चे, केवल थॉट प्रोसेस को समझो यहां पे। यहां मेरा कोई मोटो आपको चीजें मतलब प्रैक्टिकली शो करने का नहीं है, केवल थॉट प्रोसेस। कभी उसने आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, ओके राइट डाउन द एक्सटर्नल सीएसएस फॉर्मेट, तो एटलीस्ट आपको पता है कि कॉपी पे कैसे लिखोगे। राइट डाउन द सिंटेक्स ऑफ इनलाइन सीएसएस, राइट डाउन द सिंटेक्स ऑफ इंटरनल सीएसएस, सो यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से। अरे एक एक एग्जांपल है, अभी तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ना, पूरा ए टू जेड बात करेंगे, अभी तो सारी चीजें प्रैक्टिकल, अभी देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को। लेकिन कॉन्सेप्ट तो बोर्ड पे ही समझ में आएंगे ना बच्चे, सिस्टम पे तो हम केवल टाइप करके चीजों को देखेंगे कि ओके रन हो रहा है, परफेक्ट रन हो रहा है। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, कोई लॉजिक है ही नहीं यहां, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। सीएसएस इज नॉट एन प्रोग्रामिंग, एचटीएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, इट इज जस्ट अ डिजाइनिंग टूल टू मेक योर वेबसाइट इंटरेक्टिव, यूजर फ्रेंडली। जब दिमाग की बात होगी, लॉजिक्स की बात होगी, तो है ना बच्चे अपने पास जावास्क्रिप्ट, लगाएंगे बढ़िया लॉजिक फिर वहां पे। लेकिन क्या होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं हमेशा ये बात बोलता ना कि जितना अच्छा लुक एंड फील होगा आपकी वेबसाइट का, यूजर उसको उतना लाइक करेगा। लेकिन लुक एंड फील केवल एक लेवल तक है बेटा, उसके बाद आती है वेबसाइट का इंट्रैक्शन, मतलब वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितने लॉजिकल वेबसाइट्स, कितने इंट्रैक्टिव डेटा को यूज कर रही है, ये सेकेंड पार्ट आता है। कि आपकी वेबसाइट जिस पर्पस के लिए यूजर आया है,
क्या वो वेबसाइट वो पर्पस सॉल्व कर रही है? लुक एंड फील तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉजिक प्रॉपर लगे या नहीं, वहां पर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना लुक एंड फील इंपॉर्टेंट है उतने ही लॉजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है ना, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लुक का होता है। किसी को भी देखोगे तो पहले लुक में, अरे क्या बढ़िया दिख रहा है, लेकिन बाद में जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि कितना बढ़िया है। तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से अगर कोई बात भी करे तो लॉजिक सही हो, डेटा सही हो, रिस्पॉन्सिव हो, तो फिर जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, वहां पर जावास्क्रिप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे पे। लेकिन पहले लुक एंड फील देख लें। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया कि हाउ टू एक्चुअली, जैसे आपने ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना ली, अब इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप अपने पेज पे कैसे लिंक करेंगे? तो यूजिंग दिस लिंक टैग, लिंक रेफरेंस इक्वल टू, ठीक है, रेफरेंस इक्वल टू में आपने बता दिया स्टाइल, ठीक है, देन हमने बता दिया कि बॉस ये जो हम स्टाइल है, सॉरी, इसके बाद आपने बता दिया कि टाइप क्या रहेगा, दिस टाइप इज बेसिकली यूज्ड फॉर टेक्स्ट और सीएसएस, ठीक, एंड देन हमने बता दिया एचआरईएफ, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मतलब किस सीएसएस फाइल को आप यूज करने की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने बता दिया स्टाइल डॉट सीएसएस। तो एक बार जब मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, अब मैं मेरे पेज पे कहीं पर भी अगर डेटा फ्लेयर टैग को यूज करता हूं, आई कैन यूज डेटा फ्लेयर, ठीक है, एंड डेटा फ्लेयर में अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है स्लैश डेटा फ्लेयर, सो दैट इज नॉट ए इनबिल्ट टैग, ये मैंने अपना खुद का टैग क्रिएट कर लिया, लेकिन कहां पे, इस सीएसएस में। तो जब ये टैग आप यूज करोगे तो इसका रेफरेंस कहां पर है वो आपका प्रोग्राम इस फाइल में जाके ढूंढ लेगा। दिस इज हाउ टू यूज दिस सीएसएस एक्सटर्नल फाइल, एंड दिस इज हाउ टू इंप्लीमेंट द टैग्स इनसाइड अवेलेबल इन दिस स्टाइल शीट फाइल, गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने जो बात की बच्चे, शुरुआत से एक बार फिर से समझ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने तरीके से आप अपने पेज पे सीएसएस को यूज कर पाएंगे, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी टाइप्स हम सीएसएस को अपने पेज पे यूज कर पाएंगे। वन इज इनलाइन, कि आपने टैग में ही सीएसएस का स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लिया, प्रॉपर्टी यूज कर ली। सेकेंड इज इंटरनल सीएसएस, जहां पर हम स्टाइल टैग को यूज करते हैं, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल सीएसएस, जहां पर हम हमारी सीएसएस की एक फाइल क्रिएट करते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। और यही हमने अभी बात की कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या हो, ठीक है, इनलाइन सीएसएस जहां पर हम टैग को यूज कर रहे हैं, इंटरनल सीएसएस जहां पर हम पेज वाइज बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल सीएसएस जहां पर हम प्रोजेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है, कि व्हाट इज एक्सटर्नल सीएसएस। तो दिस इज व्हाट द टाइप्स ऑफ सीएसएस, ठीक है, हमने बात की टाइप्स ऑफ सीएसएस की। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी टाइप्स वी कैन अप्लाई सीएसएस इन अ वेबसाइट, देयर आर थ्री टाइप्स, वन इज इनलाइन सीएसएस, सेकंड इज इंटरनल सीएसएस, थर्ड वन इज एक्सटर्नल सीएसएस। तो आई होप कॉन्सेप्ट सिंपल है, समझ में आया है, लेकिन बात है सर इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बिल्कुल चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए और इसके इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस कोर्स में, प्रैक्टिकल करते रहिए। श्योरिटी मेरी है कि लास्ट में जो वेबसाइट बनेगी, जो प्रोजेक्ट बनेगा, वो बड़ा इंटरेक्टिव होगा। बस आपको बने रहना है, समझते रहना है और प्रैक्टिकल करते रहना है। कितना तो आसान है यार वेब डेवलपर का पाथ, पढ़ो, समझो, प्रैक्टिकल करो, प्रोजेक्ट बनाओ और कंपनी में पहुंच जाओ, इंटरव्यू दो और कंपनी में पहुंच जाओ, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तो सीएसएस के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हमें सीएसएस में मिले हैं टू मेक अ पेज मोर इंटरेक्टिव। तो बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिंता नहीं करना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।